नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ अंजलि रजावत। देखिए, जब से तिरुपति मंदिर में बनने वाले लड्डू यानी कि प्रसादम में जानवरों की चर्बी मिलाने का खुलासा हुआ है, इससे देश के लोगों की आस्था को तो गहरी चोट पहुंची है। साथ ही अब लोग डरे भी हुए हैं, कैसे विश्वास करें कि वो जो प्रसाद श्रद्धा भाव के साथ ग्रहण कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं, कहीं उसमें भी तो मिलावट नहीं है। फिलहाल अब आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में बनने वाले प्रसादम में नंदिनी घी का इस्तेमाल किया जा रहा है। नंदिनी कर्नाटक मिल्क फेडरेशन का लोकप्रिय ब्रांड है। विवाद के बीच एक महीने पहले ही तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम ने कर्नाटक मिल्क फेडरेशन को घी सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया। दरअसल फेडरेशन ने अपनी गाड़ियों में GPS सिस्टम और जियोलोकेशन डिवाइस लगाई है। ये गाड़ियां मंदिर में घी सप्लाई करती हैं। GPS सिस्टम लगाने से पता चलता है कि गाड़ी कहां कहां रुकी है, ताकि मिलावट को रोका जा सके। कर्नाटक मिल्क फेडरेशन को 350 टन घी की सप्लाई का ठेका मिला है, लेकिन वो कहते हैं ना कि भरोसा एक बार जब टूटता है तो उसे वापस से हासिल करना मुश्किल होता है, और शायद यही मुश्किल अब तमाम घी विक्रेताओं के सामने भी है। खैर, अब आपको बताते हैं कि प्रसादम में किस गड़बड़ी के खुलासे ने सभी के होश उड़ा कर रख दिए। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक तिरुपति के लड्डू में सोयाबीन, सूरजमुखी, जैतून, नारियल, कॉटन सीड और अलसी के अलावा फिश ऑयल, बीफ टैलो और लार्ड पाया गया है। क्या है बीफ टैलो? जानवरों की चर्बी को धीमी आंच पर पकाया जाता है और पकाने के बाद सिर्फ फैट रह जाता है, जो कि घी के जैसा ही दिखता है। क्या होता है लार्ड? पिग की चर्बी से यह बनाया जाता है और यह भी चिकना ही होता है, जिसे आसानी से मिलावट कर सकते हैं। अब KMF के प्रसिद्ध नंदिनी ब्रांड घी का स्टॉक मंदिर की 300 साल पुरानी रसोई यानी कि पोटू में पहुंचाया जा रहा है। दरअसल TTD 9 दिवसीय ब्रह्मोत्सव से पहले घी का स्टॉक जमा कर रहा है, जो इसी साल 4 से 12 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा। तो होप करते हैं ये खबर आपको महत्वपूर्ण लगी होगी, और इस खबर को लेकर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। हमें आपकी राय का इंतजार रहेगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।